हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स क्रिएटिव्स। दोस्तों, आज मैं आपको हाथ में जो है स्लीव्स में फ्रिल कैसे लगाते हैं और वो मैं आपको बताऊंगी। एक दुल्हन का ब्लाउज है। देखिए, ब्लाउज का कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम था, इसीलिए मैं सिर्फ जो हाथ का गोलाई होगा उसी में ये डिज़ाइन रखे हैं और साइड में मैंने कपड़ा ज्वाइंट कर लिया, रैंडमली ज्वाइंट कर लिया। हाथ का लंबाई जो है हमारा 9.5 इंच रहेगा और उसके नीचे जो है हमारा फ्रिल रहेगा। तो फ्रिल के लिए हम क्या किए, देखिए 3.5 इंच का मैं एक पट्टी कट किए हैं और उसके बाद एक किनारे को मैंने फिनिशिंग के साथ इसको जो है मोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या बताएंगे कि मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर फ्रिल पहले बिठाऊंगी, उसके बाद अस्तर जॉइंट करके इसे पूरा फिनिशिंग दूंगी। बाहर से कहीं आपको जॉइंट दिखाई नहीं देगा। कपड़ा मैंने रैंडमली जॉइंट कर लिया क्योंकि अगर कपड़े को मैं साइजली काटने जाऊं तो ये बनारस साड़ी का कपड़ा है, इसमें रेशा बहुत आने लगता है। तो मैं क्या की हूँ, जो हमारा अस्तर है उसका स्लीव्स मैं परफेक्ट नाप से कट की हूँ। जब मैं इसे फ्रिल लगा लूंगी उसके बाद जब मैं अस्तर ज्वाइंट करूंगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं काट के फिनिशिंग दे दूंगी। तो आइए हम फ्रिल अभी लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा हमारा जो सीधा है और जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा है वो ऐसे उल्टी रखेंगे थोड़ा सा हम किनारे पे, क्योंकि बाजू हमारा नाप का आएगा। जो साइड में जो कपड़ा है वहाँ फ्रिल ना हो तो भी चलेगा, अगर फ्रिल होगा तो थोड़ा सा मोटा मोटा दिक्कत लगेगा। मैं पहले यहाँ बिठा के सिलाई स्टार्ट करूँगी। पहले हम थोड़ा सा हिस्सा जो है 1/2 इंच करीब नॉर्मल सियेंगे, उसके बाद हम स्लीट डालना चालू करेंगे। ये जो है आपका हाथ का जो फ्रिल है उतना आपको पास पास फ्रिल डालने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फैलेगा तो वो सही से बैठेगा नहीं। थोड़ा सा दूर में मैं एक चुन्नट डाली हूँ कि थोड़ा सा फिलिंग है। आप जो है अपना अकॉर्डिंग कितना दूर में आपको स्लीट डालना है वो डिसाइड करके आप सेट कर लीजिए। एक साथ 2-3 स्लीट जो है आराम से सिल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों, इसका जो है जो बैक नेक है उसमें भी मैं फ्रिल डालने वाली हूँ। तो ये दुल्हन का ब्लाउज है, थोड़ा सा अच्छा से मुझे ज़्यादा इस फ्रिल डालना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बैक नेक डिज़ाइन दिखाऊंगी, फिलहाल आज मैं आपको सिर्फ जो है स्लीव्स दिखा रही हूँ। देखिए, हमने स्लीट डाल लिया है। अब जो ये जो रेशा आपको दिखेगा इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा काट के देखिए फ्रिल हमारा जो है ऐसा आएगा। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अस्तर डालेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जो बीच में जो है आप जो है फ्रिल को लगा लीजिए, उसके बाद जो है अस्तर को आप ऐसे रखिए ऐसे। फिर जब हम इस अस्तर को ऐसा पलट लेंगे तब फ्रिल और अस्तर बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। चलिए हम अस्तर जॉइंट कर लेते हैं। अस्तर जो हम ऐसे नॉर्मली सिलेंगे जैसे हम बाकी ब्लाउजेस में सिलते हैं, सीधे में सिल के जो इसे हम पलट के एक चाप सिलाई डालते हैं वही डालेंगे। जब हम पलटेंगे देखिए अस्तर अंदर चला गया, स्लीट आपका बाहर आ गया। तो हम अस्तर को पूरा ज्वाइंट करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको छाट देंगे। देखिए फ्रिल हमारा जो है रेडी हो गया और मैंने साइड से काट दिया। थोड़ा सा अस्तर का कपड़ा मैंने छोड़ा है, वो जो जब मैं स्लीव्स लगाऊंगी ब्लाउज में तब अगर एक्स्ट्रा हुआ तो मैं कट कर लूंगी। देखिए पीछे से पूरा फिनिशिंग है, कहीं हमारा रेशा बाहर नहीं है, पूरा फिनिशिंग के साथ। दूसरा स्लीव्स भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो आइए दूसरा स्लीव भी हम सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है
दोनों बाजुओं का जो है फ्रिल लगा लिए हैं। अब हम जब ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत देखने को लगेगा। ये बहुत ही बंगाल का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, फ्रिल हुआ ब्लाउज़ का जो दुल्हन पहन रहे हैं। टीवी सीरियल्स में भी बहुत सारा लोग पहन रहे हैं, इसका आजकल बहुत ट्रेंड है। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपनी जो सहेलियाँ हैं उन सबसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच आप तक का जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए उन लोग को, और जो मेरा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए ना सब्सक्राइब प्लीज़। कल मैं इसका जो नेक डिज़ाइन है उसको लेके आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।